हम विशेषण के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं और यह भी ध्यान दे रहे हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेषण से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी का उदाहरण देते हुए उसी के मद्देनजर विशेषण से संबंधित हम अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार एवं उदाहरण से वाकिफ हो रहे हैं। आज हम विशेषण के भेद निश्चय संख्या वाचक विशेषण के संदर्भ में जानकारी हासिल करेंगे, जिसके तहत हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि निश्चित संख्या वाचक विशेषण के कितने भेद हैं, उनके कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं, तथा इनके प्रकार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में किस ढंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का भी उदाहरण मैं साथ साथ देते चलूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं निश्चय संख्यावाचक विशेषण। निश्चय संख्यावाचक विशेषण का तात्पर्य है कि वह संख्यावाचक विशेषण जिससे निश्चितता का बोध हो। जो ही हम निश्चय संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं, किसी निश्चित संख्या का बोध होता है। और यह भी जान लेना जरूरी है कि निश्चय संख्यावाचक विशेषण उसी विशेष्य की विशेषता बतलाता है जिस विशेष्य की गिनती की जा सकती है, अर्थात गणनीय विशेष्य की विशेषता बतलाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा इस प्रकार देते हैं, निश्चय संख्यावाचक विशेषण उस विशेषण को कहते हैं जिससे निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं सबके सब निश्चय संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। तो चलिए हम इसके प्रकार एवं उदाहरण से वाकिफ होते हैं और जानते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में किस ढंग के प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं। निश्चय संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद हैं, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येकवाचक विशेषण। अब हम बारी बारी से इन सभी भेदों की परिभाषा, उसके उदाहरण और परीक्षा में किस ढंग के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। निश्चय संख्यावाचक विशेषण का पहला भेद है गणनावाचक विशेषण। गणना का शाब्दिक अर्थ है गिनती और वाचक का अर्थ है बोध कराने वाला, अर्थात बतलाने वाला। तो गणनावाचक विशेषण से तात्पर्य है कि ऐसा विशेषण जो किसी विशेष की गिनती का बोध कराता हो, अर्थात जिससे विशेष की गिनती की जाती हो, वह विशेषण गणनावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 गणनावाचक विशेषण है। गणना में हम कोई गिनने योग्य वस्तु है उसको 1.5, 2.5, 3.5 वगैरह के रूप में भी गिनती करते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि गणनावाचक जो विशेषण है उसमें पूर्ण संख्या भी है और अपूर्ण संख्या भी है। इस आधार पर गणनावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। एक है पूर्णांक गणनावाचक विशेषण और दूसरा है अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। वही मैंने यहां पर दिया है पूर्णांक गणनावाचक विशेषण, वह विशेषण जो किसी विशेष के पूर्ण अंक का बोध कराता है पूर्णांक गणनावाचक विशेषण कहलाता है, या पूर्णांक बोधक विशेषण कहलाता है, अर्थात पूर्ण अंक का बोध कराने वाला विशेषण, किसी विशेष के पूर्ण अंक का बोध कराने वाला विशेषण पूर्णांक बोधक विशेषण कहलाते। ये दोनों जो है
समान चीज है, परीक्षा में दोनों में से कोई भी पूछे जा सकते हैं, जो पूछे जाएगा उसका उत्तर देना है। इसके उदाहरण है 4, 6, 8, 10, 12, 15, ये जो गिनती की संख्याएं हैं वो सब के सब जो है पूर्णांक गणनावाचक विशेषण के उदाहरण है। गणनावाचक विशेषण का दूसरा विध है अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। अ का मतलब है नहीं और पूर्णांक का मतलब है पूरा अंक, अर्थात गणना वाचक वह विशेषण जो किसी विशेष्य की विशेषता अपूर्णांक के रूप में बतलाता है वह कहलाता है अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। इसे कहते हैं अपूर्णांक बोधक विशेषण भी, क्योंकि अपूर्णांक यानी जो पूर्ण अंक नहीं है बोधक उसका ज्ञान दिलाने वाला विशेषण, अर्थात वह विशेषण जो किसी विशेष के अपूर्णांक का बोध कराता है उसे कहते हैं अपूर्णांक बोधक विशेषण या अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। इसके उदाहरण है 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 4.25 वगैरह वगैरह। अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण के संदर्भ में ध्यान देने वाली बात यह है कि अपूर्णांक में तो एक से कम संख्या के बोध कराने वाले विशेषण तो होते ही हैं, उसके साथ साथ पूर्ण संख्या भी हो सकती है, अर्थात एक पूर्ण संख्या किंतु उसमें एक से कम वाली भी संख्या का योग होता है। जैसे कि अगर हम कहते हैं सावा, तो सावा का मतलब है एक पूर्ण संख्या और एक की चौथाई संख्या, दोनों मिला के तब होता है सावा। यदि हम डेढ़ बोलते हैं तो इसमें एक है पूर्ण संख्या और एक है आधी संख्या, दोनों संख्या को मिल करके तब बना है डेढ़। ढाई कहने का मतलब है कि एक पूर्ण संख्या दो है और दूसरी संख्या आधी है, दोनों संख्या के मिलने से क्या बना ढाई। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण में एक अपूर्ण संख्या होती है जिसका मान एक से कम होता है और उसके साथ किसी किसी संख्या में एक पूर्ण संख्या भी होती है। जैसे एक उदाहरण देखिए, चौथाई शब्द में विशेषण है। यह प्रश्न जो है यूपीआरओ एआरओ प्री एग्जाम 2014 में पूछा गया था। यहां पर देखिए चौथाई, चौथाई का मतलब है एक का चौथा हिस्सा, अर्थात यह क्या है एक अपूर्ण संख्या है, इसमें कोई पूर्ण संख्या नहीं है, क्या है सिर्फ अपूर्ण संख्या है और यह अपूर्ण संख्या जो है किसी विशेष के पहले आकर के विशेषण का काम कर सकती है। तो इसमें से देखिए कि अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण है या अपूर्णांक बोधक विशेषण है। देखिए यहां पर घ में है अपूर्णांक बोधक विशेषण, अर्थात इसका उत्तर घ होगा अपूर्णांक बोधक विशेषण। निश्चय संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भेद है क्रमवाचक विशेषण। क्रम का मतलब होता है सिलसिला, यानी एक तो फिर दो तो फिर तीन तो चार, अर्थात जो एक नंबर में है वह पहला, जो दो नंबर में है वह दूसरा, तीन नंबर में है तीसरा, चार नंबर में है चौथा, अर्थात इस प्रकार से एक सिलसिला बनता है, एक क्रम बनता है। तो वह विशेषण जो किसी विशेष्य के क्रम का बोध कराता है, जो किसी विशेष्य के क्रम का बोध कराता है वह क्रमवाचक विशेषण कहलाता है। इसके अर्थ से ही स्पष्ट है, क्रम का मतलब सिलसिला, वाचक का मतलब है वाचन करने वाला, अर्थात बोध कराने वाला, ज्ञान देने वाला। यहां देखिए एक प्रश्न है, तीसरा शब्द में विशेषण है। यह प्रश्न है यूपीआरओ एआरओ प्री एग्जाम 2014 में पूछा गया था। अब यहां पर देखिए तीसरा, तीसरा का क्या मतलब है कि इसका क्रम जो है तीसरे नंबर पे है, यानी पहला दूसरा तीसरा, अर्थात तीसरा स्थान में वह विशेष है ऐसा बोध कराता है ये तीसरा, अर्थात विशेष के क्रम का बोध कराने वाला विशेषण है तीसरा और उसे कहते हैं क्रमवाचक विशेषण। उदाहरण है, अब इसमें तलाशिए कि क्रमवाचक विशेषण कौन है। क में दिया है पूर्णांक बोधक विशेषण, ख में दिया है आवृत्ति वाचक विशेषण, ग में दिया है गणनावाचक विशेषण,
और घ में दिया है क्रमवाचक विशेषण, अर्थात ये तीसरा जो है क्रमवाचक विशेषण है, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर घ होगा, अर्थात क्रमवाचक विशेषण। निश्चय संख्यावाचक विशेषण का तीसरा भेद है आवृत्ति वाचक विशेषण। आवृत्ति का मतलब है कि उसी संख्या का बार बार आना, अर्थात वह विशेषण जो किसी विशेष्य के एक ही संख्या को बार बार आने का जब बोध कराता है तो वह कहलाता है आवृत्ति वाचक विशेषण। जैसे दो गुना का मतलब है दो गुना, अर्थात कोई भी संख्या को जब दो बार हम योग करेंगे तो वह कहा जाएगा दो गुना। उसी तरह से चार गुना, किसी भी संख्या को जब चार बार जोड़ेंगे या चार बार उसकी आवृत्ति होगी, चार बार उस संख्या का आना होगा तो वह संख्या चार गुना होगी। अगर पांच पांच कहते हैं तो पांच संख्या जो है पांच तो फिर पांच, अर्थात पांच पांच लड़के एक साथ जाएंगे, चार चार लड़के एक साथ जाएंगे, चार गुना विद्यार्थी इस एग्जाम में शामिल हुए हैं। ये सब क्या है, विशेष की विशेषता है, और वह दर्शाता है कि पिछले बार जो संख्या थी उसी की आवृत्ति हुई है। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार पूछे जाते हैं उसका भी उदाहरण हम देखते चलते हैं। एक प्रश्न है, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। यह प्रश्न भी UPRO ARO प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया था। देखिए यहां पर 100 गुना यानी कोई भी संख्या को जब बार बार 100 बार व्यक्त किया जाएगा तो वह संख्या होगी 100 गुना। यानी किसी वस्तु की लंबाई जितनी थी उतनी उतनी 100 बार तब होगा 100 गुना। अर्थात क्या है, किसी भी संख्या की आवृत्ति हो रही है, यानी एक से अधिक बार किसी संख्या की आवृत्ति हो रही है, अर्थात 100 गुना यानी कोई भी संख्या को 100 बार आवृत्ति हो रही है। इसीलिए यह 100 गुना लंबा जो है, यह 100 गुना जो है आवृत्ति वाचक विशेषण के उदाहरण है। अब इसके उदाहरण को देखिए, क में है गणनावाचक, ख में है क्रमवाचक, ग में है आवृत्ति वाचक और घ में है संपूर्णतावाचक। देखिए आवृत्ति वाचक यहां पर किसी भी संख्या को 100 बार आवृत्ति हुई है, 100 बार आना हुआ है, इसीलिए 100 गुना जो है आवृत्ति वाचक विशेषण के उदाहरण है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग, अर्थात आवृत्ति वाचक विशेषण। निश्चय संख्यावाचक विशेषण का चौथा भेद है समुदाय वाचक विशेषण। समुदाय का मतलब होता है समूह, अर्थात एक से ज्यों अधिक व्यक्ति या वस्तु जहां होंगे वह समूह कहलाएगा। और वाचक का मतलब है बोध कराने वाला। जब कोई भी विशेषण किसी विशेष के एक से अधिक संख्या का एक साथ होना बोध जब कराता है तो उसे कहते हैं समुदाय वाचक विशेषण। इस समुदाय वाचक विशेषण में किसी व्यक्ति वस्तु का समूह होता है। जैसे दर्जन, दर्जन कहने से क्या है कि 12 वस्तुओं का समूह दर्जन कहलाता है। उस तरह से दोनों, दो व्यक्ति का जो समूह है वह कहलाएगा दोनों, अर्थात वहां दो व्यक्ति थे दोनों चले गए, अर्थात दो का एक समूह था वो चला गया। उसी तरह से पांचों, पांच आए थे पांचों चले गए, अर्थात पांच एक समूह है और पांचों समूह में चले गए। उसी तरह से बीसों, उसी तरह से गाही, उसी तरह से सोरी, 16 व्यक्ति या वस्तु के समूह को सोरी कहते हैं, कोरी 20 व्यक्ति के समूह को कोरी बोलते हैं। तो इस तरह से क्या है, दर्जन, कौड़ी, दोनों, पांचों, बीसों, सोरी, कोरी, ये सबके सब समूह वाचक के उदाहरण है। इसमें एक से अधिक व्यक्तियों का या वस्तुओं का समूह होता है। इसे हम उदाहरण के रूप में देखते हैं कि परीक्षा में किस तरह से। यहां देखिए एक प्रश्न है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। यह प्रश्न जो है UPRO ARO प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया था। यहां पर ध्यान दीजिए, दोनों यानी
एक और एक दो व्यक्ति का समूह है, दोनों का मतलब है कि दो व्यक्ति का समूह, तो दोनों यहां पर एक समूह का बोध कराता है। जैसे कि वहां देखा पांचों बीसों सोरी कोरी दर्जन, उसी तरह से यहां पर दोनों जो है दो व्यक्ति का समूह है, अर्थात दोनों चले गए, अर्थात दो व्यक्ति का समूह था वो समूह के साथ चले गए। तो अब इसमें देखिए कि समूहवाचक विशेषण का उदाहरण इसमें है, क में दिया है समुदाय बोध, अर्थात समुदाय का मतलब ही होता है समूह, अर्थात यह दोनों जो है एक समूह का बोध कराता है, अर्थात समुदाय का बोध कराने वाला यह विशेषण है। निश्चय संख्यावाचक विशेषण का पांचवा भेद है प्रत्येक वाचक विशेषण। प्रत्येक का मतलब होता है प्रति जोड़ एक, यानी जितने भी हैं वो सब के सब, अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि प्रत्येक वाचक विशेषणों से विशेष की संख्या को लेकर प्रत्येकता जानी जाती है। जैसे प्रत्येक, हरेक, हर, प्रति, फी, ये सब क्या है, प्रत्येकता का बोध कराता है, यानी जितने भी है सब का बोध कराता है, इसीलिए उसे कहते हैं प्रत्येक वाचक विशेषण। जैसे हर व्यक्ति धन के लोभी होते हैं, हरेक की जुबान पे यही बातें थी, प्रत्येक को ऐसा ही करना चाहिए, प्रति व्यक्ति 10 रुपये मिलेंगे, फी व्यक्ति 100 रुपये मिलेंगे, वगैरह वगैरह क्या है, अर्थात जितने हैं सबका बोध कराता है। इसीलिए यहाँ पर हर, हरेक, प्रत्येक, प्रति, फी, ये सब के सब प्रत्येक वाचक के विशेषण है। इस ढंग से परीक्षा में जिस तरह से भी प्रश्न पूछा जाए, आप इन शब्दार्थों के साथ अगर उसके भेद याद रखे हुए हैं तो आप सत्य ही इसका सही जवाब दे सकेंगे। धन्यवाद।